नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। जो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, 5/12/2021 को आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं आपके पास ये अपडेट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CN10/2019 NTPC नोटिस CBT1 एग्जाम और CBT2 जो स्टेज टू का एग्जाम होगा उसका शेड्यूल के लिए भी नोटिस आ गया। तो जैसे इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा एक नया पेज खुलेगा जो मैंने पहले से डाउनलोड किया है। ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, कुछ भी इसमें फेक नहीं है। आप देख सकते हैं रिजल्ट के बारे में है और स्टेज टू के एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही छोटा वीडियो है। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है कि 31 जुलाई तक आपका एग्जाम चला था 28 दिसंबर से, और उसके बाद स्टेज वन का जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा जनवरी, यहाँ देखिएगा पब्लिश इन द RRB वेबसाइट 15 जनवरी। मतलब जो स्टेज वन का NTPC का जो रिजल्ट आएगा वो 15 जनवरी को आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है। और वहीं पे अगर हम बात करें स्टेज टू का जो एग्जाम होगा वो आपका, यहाँ देख सकते हैं स्टेज टू का एग्जाम जो होगा वो मैं बता दूँ कि स्टेज टू का एग्जाम दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे और 14 से 18 फरवरी 2022 को होगा स्टेज टू का एग्जाम, ठीक है। तो बहुत जल्द आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ग्रुप डी का एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो ग्रुप डी का भी एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, उसका शेड्यूल भी बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।